तो दो दो दिन से रात से काफी परेशान है, अच्छा से सो नहीं पा रही है, ना ही सोने दे रही है। सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज मौजूद है। रिलैक्स फील हो रहा है, कितना आराम लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं भाप ले रही। सो हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल संदीप महतो ब्लॉग्स में। दोस्तों आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त होंगे। सो गाइज, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लगातार दो तीन दिनों से हमारी जो नन्ही परी है, मेरी बेटी किंजल, जिसका नाम मैंने कुछ दिन पहले ही रिवील कर दिया था, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सो गाइज, उसका जो तबीयत है थोड़ा दो तीन दिन से काफ़ी ख़राब हो गया दोस्तों। अभी हम लोग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, हम तो मतलब उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए थे और डॉक्टर भी बताया उसको थोड़ा सा कफ ज़्यादा हो गया है और खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बट कल रात भी बहुत ज़्यादा तबीयत उनका ख़राब हो गया था। आज तो मैं ड्यूटी आया हुआ हूँ और दोस्तों डॉक्टर ने जो हम लोग को रिकमेंड किया है कि एक भाप लेने का जो मशीन होता है उसको लेने के लिए कहा। तो दो दिन से रात से काफी परेशान है, अच्छा से सो नहीं पा रही है, ना ही सोने दे रही है। सो गाइज, अभी हम जाएंगे मशीन लेने लिए, दोस्तों वीडियो में बने रहिए। सो गाइज, मैं अभी निकलूंगा और सीधा जाएंगे मेडिकल स्टोर। अभी पहुंच चुका हूँ सांची कांसड़ी और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो मेरे को कॉल किया था कि मतलब यहाँ से न्यूबलाइजर मशीन लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है उसका प्राइस थोड़ा सा कम है और अच्छा भी है, तो वो थोड़ा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखता है और इसलिए मेरे को कॉल किया। तो मैं अभी आया हूँ साक्षी, उसके बाद अभी हम जाएंगे। सो गाइस, फाइनली हमने न्यूबलाइजर मशीन ले लिया है और अभी मैं विष्णुपुर में हूँ। अभी तो सब हल्का हल्का पानी गिर रहा है, उसके बाद जैसे पानी ख़त्म हो जाएगा तो मैं सीधा जाऊँगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा ज़्यादा पानी गिर रहा है। तो गाइस, घर पहुँच कर मैं न्यूबलाइजर मशीन का अनबॉक्सिंग करूँगा, तो चलिए गाइस वीडियो में बने रहिए। सो फाइनली गाइस, अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर और आज जो है पानी थोड़ा सा गिर रहा था, तो मतलब काफ़ी भींग गए हम। और आने के बाद ही हम पूरा ड्रेस वगैरह सारा चेंज करके अभी मैं यहाँ पे देखिए भैया के जो दुकान है उस शॉप में अभी हम खड़े हैं और वीडियो शूट कर रहे हैं। फाइनली हमने जो है वो न्यूबलाइजर जो लेने वाले थे वो हमने ले लिया है और मैं आपको वीडियो में पहले नहीं दिखा पाया क्योंकि पानी भी गिर रहा था और दुकान में उस तरह सा सुविधा नहीं हो पाया वीडियो बनाने लायक। तो मैं अभी उसका अनबॉक्सिंग करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि न्यूबलाइजर कैसा है और उसमें क्या क्या कौन कौन सा किट लगा हुआ है और साथ ही मैं दिखाऊंगा उसको यूज कैसे करना है। रुको जरा, सबर करो, इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा चीज साथ में नन्ही परी को लगा के भी दिखाऊंगा कि उसमें कैसे यूज करना है। चलिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। अभी सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग करूंगा और दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो दोस्तों इसका नाम है न्यूबलाइजर NEB107। आप लोग देख सकते हैं इसको, हमें अनबॉक्सिंग करता हूं सबसे पहले यहां से इसको इसको खोलना पड़े, ये खोल लेता हूं और उसके बाद इसको ऐसे खोलना रहता है, ये खुल जाता है, उसके बाद फिर इसको ऐसे खोल करके इसमें ऐसे खोल देते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक मैनुअल दिया गया है अभी तो पैसे। सो गाइज, इसमें ये इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, ये छोटा सा जो मैनुअल है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर्स मैनुअल एंड वारंटी कार्ड। सो गाइज, इसमें देख सकते हैं ये जो है वारंटी कार्ड है और एक तरह से इसमें कुछ पेपर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। और इसमें एक चीज़ आपको दिखा देना चाहिए कि ये मशीन जो है आपका 2 ईयर वारंटी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 साल इसमें वारंटी दिया गया है। तो गाइज, इसमें मैं दिखाता हूँ क्या क्या कौन कौन सा चीज़ है। तो सबसे पहले मैं ये देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं, ये है मास्क, जिसको मतलब मशीन में लगाने के बाद इसको हम लोग मास्क को लगाते हैं, मास्क ये लगेगा मुंह में और इसी के थ्रू जो है आपका पेपर आएगा। तो ये एक मास्क है, इसमें 2 मास्क दिया हुआ है, एक बच्चों के लिए एक मास्क है और एक बड़ों के लिए मास्क है। तो इसमें ये मशीन मतलब 2 इन 1 है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा, उसके साथ हमको ये मिला है, इसमें ये है फिल्टर। तो दोस्तों ये फिल्टर दिया गया है, इसमें 4 फिल्टर दिए गए, 1, 2, 3, 4 फिल्टर है, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। और फाइनली दोस्तों ये रहा न्यूबलाइजर मशीन। सो गाइज, ये वाला है हमारा न्यूबलाइजर मशीन, ये न्यूबलाइजर मशीन ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको निकालता हूँ, ये इस तरह से रहेगा। सो गाइज, ये वाला मशीन किस तरह से यूज़ करना है वो मैं वीडियो में दिखा दूंगा किस तरह से यूज़ करना है और मेरी बेटी को उसमें लगा के
भाप किस तरह से लेना है वो भी लगा के दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग हमारी नन्ही परी जो अभी उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, कितना आराम लग रहा है आप लोग देख सकते हैं, भाप ले रही है अभी नन्ही परी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और दोस्तों मैं एक ही चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों का मतलब घर में कोई भी बच्चा है और आप लोग अगर अपने से ये मशीन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। हमने भी डॉक्टर का परामर्श लिया था, डॉक्टर ने हम लोग को सजेस्ट किया था, इसके बाद ही हमने ये मशीन लिया है। तो ज़रूर इस बात का आप लोग ध्यान रखें, अपने मर्जी से ही कुछ भी ना करें, इससे आपको आपके बच्चे को भी गलत इफेक्ट पड़ सकता है। और दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आज का हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो अपने भाई की इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें जाने की इजाजत दें। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।